एक संत ने दावा किया है, दावा है नरेंद्र मोदी के पुनर्जन्म के बारे में। उनका दावा है कि नरेंद्र मोदी पूर्व जन्म में स्वामी विवेकानंद थे। क्या है हकीकत, आइए देखते हैं। नरेंद्र दामोदर दास मोदी, और नरेंद्र नाथ दत्त, ये दो शख्सियतें, दो कालखंड, दो जीवन, लेकिन आत्मा एक। ये दावा है इंदौर के एक संत मोहन ब्रिजवासी का। मोहन ब्रिजवासी कृष्ण भक्त हैं और उनका कहना है कि स्वयं भगवान ने उन्हें दर्शन देकर कहा है कि नरेंद्र मोदी ही स्वामी विवेकानंद के पुनर्जन्म हैं। नरेंद्र मोदी जी के बारे में पूछा कि ये प्रधानमंत्री बनेंगे कि नहीं, क्योंकि इनके दुश्मन बहुत हैं और ये अभी पटना में बाल बाल बच गए हैं, तो थोड़ा वो मुस्कुराए। तब उन्होंने कहा कि मैं नरेंद्र मोदी के इस जन्म की तो सभी जानते हैं और तुझे पूर्व की बात बताता हूँ कि जब पूर्व जन्म में स्वामी विवेकानंद के नाम से मशहूर हुए, बहुत ज्ञानी थे, बहुत तपस्वी थे, बहुत विद्वान थे। इतना ही नहीं, मोहन ब्रिजवासी का कहना है कि भगवान ने कहा है कि नरेंद्र मोदी ही भारत के अगले प्रधानमंत्री होंगे और उसके बाद भारत की ख्याति पूरे विश्व में फैल जाएगी। उन्होंने कहा ये बात बिल्कुल सत्य है। क्या? कि वो पूर्व जन्म में विवेकानंद थे। मोहन ब्रिजवासी के दावे की होगी पड़ताल। क्या नरेंद्र मोदी वाकई स्वामी विवेकानंद का पुनर्जन्म है, या फिर पुनर्जन्म होता भी है या नहीं? हर राज पर से उठेगा पर्दा। बस बने रहिए हमारे साथ। समय के लिए इंदौर से सुदेश तिवारी।